सम्मान समारोह जो है बहुत शानदार रहा। बच्चा सब जो अचीवमेंट किए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। मेरा टोटल नंबर 434 है और मैथ में 100 में 100 है। हम तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, उन बच्चे का मैथ्स में भी अच्छा है और बाकी रिजल्ट भी अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत मोटिवेट करते थे, समझाते थे। बात में पढ़ रहे थे उस समय तो इतना उम्मीद नहीं था, मगर लास्ट मंथ में पूरा उम्मीद था कि 100 में 100 ला सकते हैं। मैथ का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और आज का ये सम्मान समारोह जो है बहुत शानदार रहा। बच्चा सब जो अचीवमेंट किए थे उन लोगों को सम्मानित किया गया। आपके बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप मैथ के चक्कर में बच्चे को दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं। देखिए सबसे पहला बात तो दूसरा का सब्जेक्ट कमजोर पड़ जाता है। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहला बात तो ये है कि हम मैथ्स का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो मेरा काम तो वही है, हम उसी पे फोकस करेंगे। रही बात बाकी नंबरों का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, हम तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, उन बच्चे का मैथ्स में भी अच्छा है और बाकी रिजल्ट भी अच्छा है। 437, 442, 443, 444 तो कोई प्रभाव नहीं है। यही नहीं, इससे पिछले बैच का भी अगर आप रिजल्ट देख ले, हम अपने रिजल्ट पे जो है रोल नंबर रोल कोड दोनों मेंशन करते हैं और आप उससे चेक कर सकते हैं। बच्चे के मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर अच्छे होते हैं, ये कहने सुनने की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा काम है मैथ पढ़ाना, तो हम अपने तरफ से तो बच्चों को सिर्फ मैथ ही पढ़ने के लिए कहेंगे, बाकी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है तो हम उसके लिए नहीं बात करते हैं। सर जिस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो छात्र छात्राएं हैं काफ़ी क्रांति ला रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष से आपके बच्चे जो क्रांति ला रहे हैं आगे 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 भी इसी तरह क्रांति लाते रहेंगे? इंशाल्लाह इसी तरह से मेहनत रहेगा, बच्चे भी मेहनत करेंगे, हम लोग भी मेहनत करते रहेंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। खास करके जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग युवा हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम उन लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, अच्छे चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट को तलाशिए, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की सपोर्ट का ज़रूरत होता है, इसलिए आप वैसे इंस्टीट्यूट को चिन्हित करें। मैं ही नहीं, अगर मेरे जैसे और भी हैं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके सपोर्ट में उतरिए और उनको आगे कीजिए, तब जाके जो है एक समाज में परिवर्तन आ सकता है, एक सुधार आ सकता है, एजुकेशन में एक बदलाव आ सकता है। सर आपके यहाँ ऑनलाइन क्लास कराने का भी कोई सुविधा? जी ऑनलाइन क्लास कराने का सुविधा है, पिछले साल हम लोग उस सुविधा पे जो है खड़े नहीं उतर पाए थे उस पैमाने पे, इस बार पूरी कोशिश रहेगा कि हम लोग ऑनलाइन भी सुविधा बच्चों को दे ताकि बिहार के कोने हर कोने से बच्चे जो है पढ़ सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलरहमान हुआ। आपका कितना अंक है? मेरा टोटल नंबर 434 है और मैथ में 100 में 100 है। 434 अंक लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? 434 अंक लाने का श्रेय सबसे ज़्यादा कादिर सर को जाता है, क्योंकि कादिर सर हम लोगों को गाइडलाइन दिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे कोचिंग वाले पढ़ाने का तरीका किस तरह है? सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा है जो ढाका में कभी भी कहीं भी नहीं है। अरे बहुत सारे लड़काओं मतलब कि डरते हैं मैथ पढ़ने से, मैथ का नाम सुनते उनको डर लगता है। देखिए जिसको मैथ में, क्या नाम है आपका? इमाम जफर। कितना अंक है सर? मैथ में 93 नंबर है हमारा। 93 नंबर लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? अब्दुल कादिर सर को। सर का पढ़ाने का तरीका किस प्रकार है? सर के पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम लोग को, शुरू से ही मेहनत करवाते हैं और उस पर हम लोग मेहनत करते हैं और हमारा इतना नंबर आता है। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनको मैथ पढ़ने से ही काफ़ी उनको डर लगता है, मैथ के कारण कोचिंग क्लास छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या कुछ? डरने की कोई बात नहीं है, अगर मैथ क्लास अगर मैथ समझ में नहीं आते आपको तो एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप अपना नामांकन करा सकते हैं और अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं मैथ में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद अली। 437। सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? हमारा श्रेय हमारे सर और हमारे गार्जियन, अगर नहीं भेजते कादिर सर के पास हम नहीं आते तो हम इस मुकाम पर तक भी नहीं पहुँच पाते। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? शेड्यूल तो कादिर सर कहते हैं कि आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, तो जब तक है तब तक पढ़िए, स्टूडेंट का काम ही होता है पढ़ना। अच्छा बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं मैथ से काफ़ी ज़्यादा उनको डर लगता है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे वीडियो के माध्यम से? ऐसा बात नहीं, मैथ से कहाँ डर है, जब आप पूरा 100% दीजिएगा तो दुनिया की कोई भी कामयाबी इंसान के अवकाश से छोटी नहीं है, 100% आप दीजिएगा तो। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अच्छा आपका कितना अंक है? 99% 99% लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? अब्दुल कादिर सर। किस तरह पढ़ाते थे उनको पढ़ाने का? काफ़ी बेहतर, इतना बेहतर कि मैं कितना भी उनका बखान करूं बहुत कम है, बहुत कम। चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजकल के युवाओं में मैथ से काफ़ी ज़्यादा उनको डर लगता है, वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कुछ कहेंगे? हम उनको यही कहेंगे अगर उनको मैथ से डर लगता है, अगर वो मैथ से भागते हैं
उनका एक ही जरिया है, एक ही इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में नाम अंकन, बस वही। आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते थे? बस ज़्यादा नहीं, सब कादिर सर की दुआ थी। मतलब सबसे ज़्यादा मेरा मेहनत करने का मन था, मतलब मेहनत करते भी थे तो सबसे ज़्यादा मैथ में ही करते थे। मेहनत करते थे, कहीं ना कहीं ऐसी आपको उम्मीद थी कि अच्छा अंक से हम? बिल्कुल, बहुत बहुत हमें उम्मीद थी। जिस रफ्तार से हम मेहनत कर रहे थे है ना, उस रफ्तार से हमें कम से कम टोटल मार्क्स 460 प्लस ही होना चाहिए था, लेकिन हमें टोटल मार्क्स 443 मिली हैं। और मतलब मैथ का जो मेरा मेहनत करने का रफ्तार था वो 100 आउट ऑफ 100 ही होना चाहिए था। और जब हम एथी पर सेंटर पर हमारे सर पहुँचे थे पेपर लेने, तो मैं पूर्ण रूप से डन किया था कि 100 आउट ऑफ 100 रहेगा, लेकिन किसी वजह से एक नंबर कटा और 99% जी। वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे? बस हमारे साथी लोग भी है, कुछ सीनियर है, कुछ जूनियर हैं। बस अगर जो जूनियर हैं हम वही कहेंगे कि मन से पढ़े, और ज़्यादा कम भी आ जाए तो थोड़ा सब्र रखे, आगे कुछ होगा। और जो सीनियर है तो वो तो बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। सर के लिए दो लाइन कहना हो तो क्या कुछ कहेंगे? क्या बोला जाए सर के लिए, कितना कुछ भी बोले बहुत कम है। कहीं ना कहीं सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। कृष्णा खातून। आपका कितना अंक है? 97 आने का सबसे ज्यादा इनका रहा है। अब्दुल कादिर सर को ही जाएगा। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा था? बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत मोटिवेट करते थे, समझाते थे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सबको क्लास में फ्रेंड की तरह समझाते थे। एक बार नहीं समझाते हम लोग का पढ़ाई होता था, मतलब ज़्यादा मैथ में ही मेहनत होता था। मैथ में काफ़ी मेहनत थी। जी थी कि मैथ में अच्छा जी जी पास सब था, उम्मीद 100 लाने का, लेकिन नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। मैथ में आपका कितना अंक था? 97 अंक लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? अब्दुल कादिर सर को। अच्छा, तो सर पढ़ाते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है, पढ़ाने का उनका तरीका आपको कैसा लगता है? उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, मतलब ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझ में आ जाए। अच्छा, बहुत लड़कियाँ अभी भी ऐसी हैं जिसको मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, वीडियो के माध्यम से उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैथ से डर लगता है, मैथ का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने से मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और मैथ से डर लगता है तो एक ही इंस्टीट्यूट को मतलब धारण करें, उसमें एडमिशन करवाए, और मैथ में प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पढ़ाई की शेड्यूल क्या थी, कितने घंटा पढ़ाई करते थे? लगभग 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे। जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद थी कि हम अच्छा अंक से पास करेंगे। जी। उजाला कुमारी। कितना अंक है आपका? 95% अंक लाने का सबसे ज़्यादा श्रेय किनका जाता है? सबसे ज़्यादा श्रेय अब्दुल कादिर सर को जाता है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें उम्मीद थी कि इतना अंक ला करके हम पास करेंगे? जिस तरह शुरुआत में पढ़ रहे थे उस समय तो इतना उम्मीद नहीं था, मगर लास्ट मंथ में पूरा उम्मीद था कि 100 में 100 ला सकते हैं, और इसका पूरा श्रेय अब्दुल कादिर सर को जाता है। पर ऑफ कोर्स नहीं आ पाया। लास्ट मंथ में काफी ज्यादा मेहनत किया। जी, लास्ट में वो शेड्यूल क्या था आपका, कितने घंटा पढ़ाई करते थे? 7 से 8 घंटा, और ज्यादातर मैथ पढ़ते थे। जो लोग सोचते हैं कि मैथ पढ़ने में काफी कमजोर होते हैं, उन लोगों के लिए जो वीडियो देखा, वैसे लोगों के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैथ अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसे अच्छे से समझना होगा, लेक्चर सुनना होगा, प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादातर जो टीचर गाइडलाइंस दे रहे हैं उसका फॉलो कीजिए, मैथ स्ट्रांग जरूर जाएगा।